पता भी नहीं चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, मतलब 10 घंटे पहले पता ही नहीं चल रहा। दोस्तों यहाँ पे बैग्स के कलेक्शन भी बहुत ही अच्छे हैं। मतलब जिस तरीके की बैग की शॉपिंग करनी हो आपको, अगर आपको यू नो ऑफिस गोइंग बैग्स पसंद है या फिर कॉलेज की लड़कियाँ हैं आप, मतलब हर तरीके का बैग आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो वैरायटीज़ भर भर के हैं, बहुत सारे ब्रांडेड बैग्स होते हैं जो काफ़ी लाखों में आते हैं, तो उसकी कॉपी भी आपको यहाँ पे 700-800 रुपये के दोस्तों मिल जाएगी। बैग के कलेक्शंस आप देख रहे हैं, मतलब मुझे कोलाबा आना इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि अगर थोड़ा सा आप उसमें से हो जो वेस्टर्न अटायर प्रिफर करता है, जिसको वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद है या वेस्टर्न आपको वेस्टर्न एक्सेसरीज कैरी करना पसंद है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस ऑफ मुंबई आई कैन से। मैं ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ, आपने पहले भी देखा है। और दोस्तों यहाँ पे आने का पर्पस यही होता है कि मैं और मेरी डॉटर यानी दोनों की शॉपिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, और प्राइस रेंज अगर मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी अच्छा होता है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग करके जो भी क्वालिटी है उस हिसाब से बार्गेनिंग करके चीज़ें आप ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हर तरीके का शॉपिंग, मतलब आप देख रहे हो इयररिंग्स, बैग्स, फुटवेयर, क्या नहीं मिलता है, मतलब कपड़े से लेके सब कुछ मिलता है। तो यार इसीलिए वीडियो में लेके आती रहती हूँ कि कहीं अगर आपको देखना है भाई क्या मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं इस समय कोलाबा में, तो देख सकते हैं फुटवेयर कितने सुंदर लग रहे हैं। 600 रुपये का इन्होंने बोला, बार्गेनिंग आपके हाथ में, आप कितना कम करा सकते हो। और दोस्तों इसके साथ साथ इस वीडियो को आप एंड तक देखना, बिकॉज एंड में मैंने एक छोटा सा सजेशन दिया है जो कोलाबा रिलेटेड है, और डेफिनेटली वो सजेशंस आपके काम आएंगे दोस्तों। तो यस, और मैंने जो भी चीज़ें खरीदी हैं यहाँ से मैंने एंड में वीडियो के दिखाया है, तो और देखना मैंने शॉपिंग क्या क्या की है, कितने में ली है चीज़ें, है ना। कितने का है ये? स्क्वायर है, ये छोटी है, खोल के दिखाओ। वो ना ये 550 के, ये 650 के। ये वाइट टॉप पे भी कितना मस्त लग रहा है। $200
कॉलेज लड़की लग रही हो आप तो। अच्छा लग रहा है ना, क्यों? सही है, डिनर के साथ आएगा 7:30। शॉपिंग इज़ डन, जो भी ख़रीदना था वो ख़रीद लिया और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा फटाफट से, है ना। और मैंने कहा कि जितनी शॉपिंग की है सब आपको मैं फटाफट से दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है मैंने ये लिया था इयररिंग्स, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली दोस्तों कुछ इयररिंग्स के प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रहे थे तो मैंने फिलहाल ये मुझे थोड़ा ठीक लगा, दिस आई बॉट, झुमके मैंने लिए, दिस इज़ फॉर 250 रुपीज़, 250 रुपये की ये झुमके और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको पहन के दिखाऊँ ऐसी वाली इयररिंग्स दोस्तों, जो पंजाबी ड्रेस होते हैं ना उसके ऊपर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, कितना प्यारा लग रहा है ना। आई हूँ ऐसे और मैं बैठ गई हूँ, मैंने कुछ किया भी नहीं है, इतने में इतना हैवी लग रहा है बट है बहुत ही लाइट वेट, है ना। क्या करूँ, पूरी वीडियो यही बना दो कि पहन के। एनीवेज ये मैंने लिया, उसके बाद देन फिर ये एक टॉप लिया, दिस इज़ फॉर 250 इस तरीके से। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, प्रिंट मुझे बड़ी अच्छी लगी और प्योर कॉटन है डेली वेयर के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है ये, दिस इज़ फॉर 200 रुपीज़, 200 रुपये के लिए, यानक मटेरियल कुछ इस तरीके का है, कितना प्यारा लगेगा देखिए, है ना। तो ये 250 रुपीज़ का लिया। उसके बाद और मैंने लिया एक शर्ट जो आपने देखी वीडियो में, लास्ट टाइम मैं जब गई थी कोलाबा से तो मैंने एक ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर की शर्ट ली थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी और उनके पास से वापस मैंने ये कलर का लिया है शर्ट 350 रुपीज़ का, उन्होंने कुछ 450 रुपये बोला और 350 रुपीज़ का ये दिया। तो ये भी बहुत ही अच्छा एम साइज़ में, मीडियम साइज़ में है, ये भी पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो दोस्तों, आप 300 रुपये में अगर कर सकते हो तो 300 रुपये में करिए, मैंने तो उनको बोला बट दिया नहीं उन्होंने। आने के लिए मैंने ये लिया था वी नेक में, दिस इज़ काफ़ी क्यूट लगेगा, पीछे इस तरीके से है स्क्वायर में एंड आगे इस तरीके से वी में है, वेयर करने के बाद ही काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इसके ऊपर जैकेट अगर हमने नो काइंड ऑफ पहना तो काफ़ी अच्छा लगेगा, दिस इज़ फॉर 150 रुपीज़, मटेरियल इस तरीके का है। और यस, उसके बाद मैंने दोस्तों एक बैग लिया था यार, कुछ 700 रुपये उन्होंने इस बैग के बोले और मैंने इसे ख़रीदा 350 रुपीज़, यस काफ़ी अच्छा है, कॉलेज के हिसाब से है, क्वालिटी भी अच्छा है और यहाँ पे अंदर की तरफ चेन है। और ये 1500 रुपये में इतनी सारी शॉपिंग की है, 1500 रुपये में कुलाबा मार्केट में और क्या ही लोगे, मतलब आप इयररिंग्स ले लो, बैग ले लो, शर्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था ये शॉपिंग। और दोस्तों अगर एक चीज़ है, आप लोग जा रहे हैं कुलाबा तो आप कोशिश करिए कि वीकडेज में जाइएगा, क्योंकि सैटरडे संडे मतलब ना आप कायदे की बार्गेनिंग कर सकते हो, ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते हो, रश जो मिलेगा वो आपको अलग मिलेगा। मतलब इसे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ कुलाबा की बनाई हुई है, डाला है, मतलब इतनी गर्दी होती है। और आज मैं गई थी, टुडे इज़ फ्राइडे, बट इट वॉज़ नॉट लाइक यू नो बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बड़े आराम से घूमते फिरते और बार्गेनिंग भी आप बहुत अच्छा कर लेते हो, क्योंकि उनको भी ज़्यादा ग्राहक नहीं रहते हैं तो यू नो वो लोग भी आराम से आपको टाइम दे के जो भी उनको ठीक लगता है अच्छे प्राइस में वो लोग दे देते हैं। तो कोशिश करिए अगर आपको टाइम मिलता है तो मंडे टू फ्राइडे के बीच में जाइएगा, बाकी सैटरडे संडे अगर आप जाते हो तो भगवान ही मालिक है, मतलब इतनी रश होती है, मैं सच्ची क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा रश होती है, प्राइस कम नहीं करते और प्राइस भी कम नहीं करते, बहुत सारी रश भी होती है,
तो बड़ा हलचल सा मचा हुआ रहता है, मतलब आप कायदे से वहाँ पे ना मतलब खड़े भी नहीं हो सकते हो, जो लेन है ना वो इतनी चौड़ी नहीं है तो बहुत है, तो बस ये तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना, आई लव यू, बाय।